अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू और अंडे का सालन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आलू को छोटा छोटा काट लिया है और ये प्याज, तकरीबन 2 अदद हमने प्याज लिए हैं जिन्हें हमने चॉप बारीक करके थोड़ा सा काट लिया है। 1 अदद टमाटर है, 6 से 8 दाने जो हैं वो है मिर्ची के हैं, इनके दरमियान में हमने कट लगा लिया है। और ये सुर्ख लाल मिर्ची है पिसी हुई, तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून मिक्स मसाला है जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाता है, तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून जो है ये है ज़ीरा पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून जो है ये कुटी हुई साबुत मिर्ची है लाल। ठीक है, तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आइए आपको बनाना बताते हैं कैसे बनाते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। तो जी जनाब, अभी हम डालेंगे ऑयल। सही है, ऑयल जैसे गर्म होता है प्रेस में, हम आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं ईवा कुकिंग ऑयल, ये बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, इसमें फैट्स बिल्कुल भी नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आप भी ये यूज़ किया करें। तो जी जनाब, हमने ये प्याज इसमें डाल दिए थे, प्याज हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल ही हल्का सा करेंगे, और इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे, आलू को फ्राई करेंगे ताकि आलू फ्राई हो जाए अच्छे से। तो ये हमने आलू डाल दिए हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलू फ्राई करेंगे ताकि आलू सही से फ्राई हो जाए, क्योंकि जब आलू फ्राई हो जाते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। तो हमने हरी मिर्ची और टमाटर इसमें डाल दिए हैं, हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें जो मसाले जो हमने किए थे, काली मिर्ची, सूख मिर्ची, जो ज़ीरा पाउडर वगैरह जो हमने दिया था थोड़ा सा, वो इसमें ऐड करेंगे। पहले टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये थोड़ा गल जाए टमाटर। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये जल्दी से बन जाते हैं। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तो ये अभी हम डालेंगे लाल मिर्ची, नमक, जो जो हमने मसाले लिए थे वो इसमें हमें डाल दिए। अब इनकी मसालों की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। और इसमें हम 3 अंडे डालेंगे,
आप चाहें तो जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए जनाब, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा मसाला नीचे लग रहा था, तो उसको फिर से हमने अच्छी तरह फ्राई किया है, थोड़ा भुना ताकि पानी इसमें खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो जनाब इसमें आपने आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं करना बल्कि थोड़ा सा ही फ्राई करना है, क्योंकि इसके बाद आलू और भुनते हैं तो ये बिल्कुल कीमा बन जाएंगे, तो आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बाद में थोड़ा बहुत जब पानी डालते हैं तो उसकी वजह से भी आलू गल जाते हैं ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से भुनेंगे। आपने भुनाई सबसे अच्छी करनी है, जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आप के सालन का जो है वो टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन चुका है, ऑयल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े का टेस्टी लग रहा है और बड़ा ही प्यारा, बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है इसमें। तो ये अभी हम डालेंगे इसमें अंडे, तीन अदर अंडे डालेंगे हम इसमें। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से भुनेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और कितना प्यारी लुक आई है इसकी। उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अंडे जो हमने डाले हैं अच्छे से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन था आलू अंडे का वो रेडी हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अभी यहाँ आके हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो अभी हम इसके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।